बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट वन के एमसीक्यू पेपर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा एमसीक्यू पेपर आज़ाद कश्मीर बोर्ड 2017 ग्रुप टू का है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 से है। इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 90 देन इट्स रेंज विल बी मिनिमम 0 मैक्सिमम वी स्क्वायर ओवर जी। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 हो तो उस सूरत में जो रेंज की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो रेंज का जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिवाइड बाई जी। तो वी आई स्क्वायर साइन 180 डिवाइड बाई जी। तो साइन 180 जो है वो ज़ीरो होता है तो रेंज जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अब क्योंकि थीटा 90 है तो 90 का मतलब परपेंडिकुलर है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली अपवर्ड जो है उसको फेंकेंगे तो आफ्टर फाइनल पोजीशन के बाद वो दोबारा जो है इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो उस सूरत में इसकी जो रेंज होगी वो ज़ीरो ही होगी क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट दिया वहीं पे वापस वो एंड करेगा। तो इस तरह एंगल 90 होगा तो उसकी रेंज जो है वो ज़ीरो होगी। तो नंबर बी ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 से है। वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स पॉजिटिव मैक्सिमम 0 या नेगेटिव। अब रिटार्डिंग फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल जो एक्ट करती है। तो रिटार्डिंग फोर्स जब एंटी पैरेलल एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में तो सूरत में एंगल जो है वो 180 होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस 180 तो कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होते हैं तो वर्क जो है वो माइनस एफ डी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन है नेगेटिव वो करेक्ट होगा। नंबर 3 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 से है। द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज 2:4:1:1/4। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आर डिस्क की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² है और डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 mv² है। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो लें mv² से कैंसिल तो ये 1/2 मल्टीप्लाई रिवर्स हो गया 4/1। तो फाइनल जो रेशियो होगी ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल वो 2 के इक्वल होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जब एमसीक्यू नंबर 8 है 2 करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 5 से है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर सेम एज डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस फोर्स फ्रीक्वेंसी वर्क। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो किस क्वांटिटी के सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये यूनिट जो है स्केलर यूनिट है तो इसका जो रेडियन है ये डायमेंशनलेस है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो टी की माइनस 1 होगी। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है ये अपोजिट ऑफ टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो है वो भी टी की माइनस 1 होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी करेक्ट होगा। नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 से आया था। एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन पाई बाई 2 रेडियन पाई बाई 3 रेडियन पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू रेडियन में किसके इक्वल होगी। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो है ये इक्वल होता है 180 डिग्री। तो अगर हम बोथ साइड 4 पे डिवाइड कर दें तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 बाई 4 इज इक्वल टू 45। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारे पास जो नंबर डी ऑप्शन पाई बाई 4 करेक्ट होगा। नंबर 6 एमसीक्यू जो है जो चैप्टर नंबर 6 से है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ ड्रॉपलेट बिकम हाफ देन द टर्मिनल वेलोसिटी बिकम। अगर ड्रॉपलेट के रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। 1/4, 4 टाइम डबल या 3 टाइम। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स वी इज इक्वल टू
टू जी आर स्क्वायर रो डिवाइड बाई 9 eta, इफ़ रेडियस की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाए तो वेलोसिटी वी जो है 2gr/2 स्क्वायर रो डिवाइड बाई 9 eta, तो ये स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2gr/8 / 4 (9 eta), तो वी प्राइम जो है वो वी बाई 4, तो वेलोसिटी जो पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन है 1/4, ये करेक्ट होगा। नंबर 7 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से आता है, टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम इज इक्वल टू MGH 1/2 kx naught square 1/2 mv square। और स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो 1/2 kx naught square है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 से है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव कैनॉट पास थ्रू सॉलिड लिक्विड वैक्यूम गैसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस मीडियम में से पास नहीं हो सकती, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं ये मैकेनिकल वेव है, इनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाई नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 से है, बाई लोडिंग अ बिट ऑन वैक्स ऑन ए प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्स इस फ्रीक्वेंसी बिकम जीरो इंक्रीज रिमेन सेम डिक्रीज। अगर हम ट्यूनिंग फोर्स के किसी प्रॉन्ग के ऊपर वैक्स जो है वो लगा दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से कम हो जाएगी, तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 10 MCQ, चैप्टर नंबर 8 से है, द वाइब्रेटिंग पॉइंट अलॉन्ग द वेव आर इन फेज विच आर सेपरेटेड फ्राम वन एनदर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई थ्री लैम्डा टू बाई थ्री लैम्डा। जो वेव इन फेज होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कम्प्लीट लैम्डा होता है, तो नंबर सी ऑप्शन लैम्डा जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 11 MCQ, चैप्टर नंबर 9 से है, द SI यूनिट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट आर मीटर पर मीटर नो यूनिट या रेडियन। तो ऐसा यूनिट जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट का, ग्रेटिंग एलिमेंट या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो नंबर ए ऑप्शन मीटर करेक्ट होगा। नंबर 12 MCQ, चैप्टर नंबर 10 से है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आई विल बी क्लियर फुजी विजिबल डिस्टिंक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से भी करीब आँख के ले आएँ तो उसका जो इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा वो क्लियर होगा, धुंधला होगा, साफ होगा, वाजिया होगा। वो जब हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से भी करीब आँख के ले आएँ तो ऑब्जेक्ट हमें साफ नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है, तो नंबर बी ऑप्शन फोजी करेक्ट होगा। नंबर 13 है, ना चैप्टर नंबर 11 से, बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू NA/RNA, तो बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू R/NA, तो नंबर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 14, चैप्टर नंबर 11 से है, इफ फॉर अ गैस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू 5 R/2 देन गैमा फॉर दिस गैस इज 1.4, 1.5, 1.6, 1.67। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू 5 R/2, एज वी नो CP-CV इज इक्वल टू R, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R+CV। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसकी वैल्यू 5 R/2, तो CP की वैल्यू 7 R/2। नो गैमा इज द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो CP 7 R/2, CV 5 R/2, R/2 कैंसिल, तो गैमा इज इक्वल टू 7/2, गैमा इज इक्वल 7/5, तो गैमा इज इक्वल टू 1.4। तो हमारे पास जो नंबर ए ऑप्शन है 1.4 करेक्ट होगा। नंबर 15, चैप्टर नंबर 1 से, द डिमेंशन ऑफ m0 lt0 रिप्रेजेंट द क्वांटिटी टाइम वॉल्यूम लेंथ मास। यहाँ पे जो m के ऊपर पावर
ज़ीरो है और एल टी के ऊपर पावर ज़ीरो है, तो एम की पावर ज़ीरो वन को रिप्रेजेंट करती है, टी की पावर ज़ीरो वन को रिप्रेजेंट करती है, तो डायमेंशन जो है वो ओनली लेंथ की होगी और लेंथ की डायमेंशन जो है यहाँ पर एम सी क्यू नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एम सी क्यू नंबर 16 चैप्टर नंबर 2 से है, आई डॉट जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू माइनस वन ज़ीरो वन के, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई, तो आई डॉट आई और आई डॉट आई इज़ इक्वल टू वन, तो हमारे पास जो नंबर सी ऑप्शन है वन करेक्ट होगा। नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 से है, द स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ 500 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड, ये चैप्टर नंबर 3 में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में है। तो स्पीड ऑफ मून जो है वो अराउंड द अर्थ 1000 मीटर पर सेकंड, तो नंबर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा।